वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल मुंबई। फ्रेंड्स, इन दिस ट्यूटोरियल आई विल टीच यू व्हाट इज एंटी पासबैक सिस्टम इन एक्सेस कंट्रोल। तो अगर आप देखोगे, आपके यहाँ पर कोई मेन डोर है जो खास करके लाइक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कि उसमें आप नहीं चाहते हो कि अनऑथोराइज पर्सन मिसयूज करे, ठीक है, या तो ऑथराइज पर्सन ही मिसयूज करे। तो ऐसे समय पर मैं वहां पर एंटी पासबैक सिस्टम का इस्तेमाल करूंगा। जैसे कि मान के चलिए मैंने सभी लोगों को कार्ड दे रखा है, ठीक है। अब ऐसे समय पर कोई व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, डोर पर आएगा, वो पंच करेगा, पंच करने के बाद में, ठीक है, वो अंदर जाएगा प्रीमाइसिस के। अब वो क्या सोचेगा कि चलो मुझे कुछ मिसयूज करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो कार्ड है, वो व्यक्ति जो है वो कार्ड पास कर देगा किसी जरिए से, ठीक है, और उसके बाद में उसके पीछे जितने भी उसके फ्रेंड होंगे या कोई भी होगा, वो वापस से उसी कार्ड का इस्तेमाल करके वो भी अंदर आ सकता है, ठीक है, या तो उसका कोई फ्रेंड होगा या उसका कोई फैमिली मेंबर होगा, कोई भी। तो एक टाइम पे, ठीक है, आपका एक ही बार इन ये एक्टिविटी काम करेगा। हालांकि देखो, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल के वीडियोस में मैंने आपको बता चुका है थियोरेटिकली कि एंटी पासबैक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो वन टाइम इन काम करेगा और उसके बाद में जब तक वो आउट पंच नहीं करेगा, ठीक है, तब तक वो दोबारा इन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसे आउट पंच करना कंपलसरी होगा, वन टाइम इन, फिर उसके बाद में आउट, फिर उसके बाद में इन कर सकता है वो। ऑलराइट, तो इसी तरीके से आपका एंटी पासबैक सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके मेट्रोज में जाकर देखोगे तो वहाँ पर भी इसी तरीके का प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और भी बड़े बड़े ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है प्रीमाइसिस, वहाँ पर एंटी पासबैक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर, इसे एक्टिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीन के ऊपर हम सॉफ्टवेयर के ऊपर जाते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, तो अब सॉफ्टवेयर पे आने के बाद में यहाँ पर एंटी पासबैक का ऑप्शन आपको कहीं ऊपर की तरफ नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, डोर पर क्लिक करिए, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर टाइम जोन करके एक ऑप्शन होता है, टाइम जोन पर ही जाना है। और यहाँ पर जो हमने मॉर्निंग शिफ्ट बनाया था, इसी शिफ्ट में हम चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एनेबल एंटी पासबैक करके लिखा हुआ है। एनेबल एंटी पासबैक को जैसे ही एनेबल कर दूंगा, ये एंटी पासबैक सिस्टम अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली लैब के ऊपर टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर मैं इसे अपडेट कर देता हूँ एक बार पैरामीटर, और उसके बाद में अब हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सेकेंडरी कैमरे के ऊपर दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इन वाला रीडर जो है हमारा पहला रीडर, ये ओपन हो गया, ये देख सकते हो हमारा लॉक ओपन हो गया। अब उसके बाद में वापस से मैं इन करूँगा, वापस से इन करूँगा, देखो ओपन नहीं हो रहा है ना, ओपन नहीं हो रहा है। अब मैं आउट करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। यानी कि इससे समझ में क्या आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि जब तक आप आउट पंच नहीं करोगे तब तक दोबारा आप इन नहीं कर सकते हो, ठीक है। यही है एंटी पासबैक सिस्टम। मैं एक बार और आपको चेक करके दिखाना चाहूँगा। तो मैं इन पे यहाँ पर पंच करूँगा, ये देखो ओपन हो गया, और अगेन जस्ट होल्ड ऑन, हाँ, नाउ यू कैन सी अगेन यहाँ पर मैं पंच कर रहा हूँ इन से, तो ये ओपन नहीं हो रहा है, देख सकते हो। अब मैं आउट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये ओपन हो गया कितनी आसानी तरीके से। उसके बाद में अब ये लॉक हो जाएगा, फिर आप दोबारा से इन कर सकते हो, ठीक है। तो वापस इन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इन, ठीक है, तो इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो वन टाइम इन, ठीक है, जब तक आप आउट नहीं करोगे तब तक आप फिर से इन नहीं कर पाओगे। दिस इज नोन एज द एंटी पासबैक सिस्टम। आई होप कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन माय फर्दर ट्यूटोरियल। बाय बाय।